तो दोस्तों कैसे हैं आज आज लेके आ गए हैं आपके सामने सुपर रॉयल एनफील्ड सुप्योर, जिसमें 650 इंजन का उपयोग किया है। तमाम सारी ऐसी रॉयल एनफील्ड देखी होगी, पर हमारे सामने आज आपको सुपर सुप्योर की बात करेंगे, जिसमें क्या बेहतर फीचर्स किए गए हैं 2024 के अंदर, और रॉयल एनफील्ड कौन नहीं लेना चाहता है, हर किसी की पसंद है। और रॉयल एनफील्ड के इतने सारे मॉडल से आपके सामने दिख ही रहे हैं, कौन सी लेना चाहिए कौन सी, तो हम आज रॉयल एनफील्ड सुप्योर की बात करेंगे, जो 650 सीसी के साथ में लॉन्च की गई है। बेहतर 2024 आप देख सकते हैं, इसका लुक काफ़ी कलर ऑप्शंस में है, 7 कलर इसमें अवेलेबल किए गए हैं। इसके बैक टू बैक इसके फीचर्स बताते हैं, इंजन क्या है, टॉर्क क्या है, पेट्रोल कैपेसिटी कितनी रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसमें आपकी प्राइस की, थोड़ा सा प्राइस कॉस्टली है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड आप ले रहे हैं तो आप उसको देख नहीं सकते मतलब कि कितना प्राइस है। इसमें आपको हैलोजन बल्ब की लाइट बताते हैं, तो 3 बल्ब मिलते हैं, पर इसमें आपको 2 प्रोजेक्टर बल्ब मिलते हैं, आप फ्रंट में देख सकते हैं। सुप्योर 650 हिमालय जैसी इसमें अपडेट फीचर्स किए गए हैं, और इंडिकेटर्स आप देखते हैं ऑरेंज कलर के दिए गए हैं, LHRS दोनों ऑप्शंस में। टायर्स आप देख सकते हैं डिस्क दिया गया है, काफ़ी मजबूत वाला। अलॉय व्हील भी देख सकते हैं, काफ़ी क्रॉसिंग सीक्वेंस पे दिया गया है ABS के साथ। और ये सस्पेंसर तो आज जो लेटेस्ट फीचर्स चलते हैं, काफ़ी गाड़ी को आराम देते हैं, मतलब आप चलाएंगे तो बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आएगी ऊपर खाबर रस्तों में भी। ORVM भी देख सकते हैं, बेहतर वाले इसमें दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको अच्छी खासे मजबूत वाला हैंडल दिया गया है, जिस गाड़ी को काफ़ी कंट्रोल एंड मजबूती प्राप्त करता है। और पहली पाइप है जहाँ आपको मिलता है डबल साइलेंसर रेगुलेटर के साथ, मतलब लुब्रिकेट का काफ़ी ध्यान रखा गया है रॉयल एनफील्ड की तरह। रॉयल एनफील्ड की बात करें तो फीचर्स तो आपको मालूम ही हैं, तमाम सारे अपडेट किए गए हैं। इसमें आपको डबल सस्पेंसर मिलते हैं, मतलब लीक सस्पेंसर, और यहाँ पे आपको MID भी मिलता है अपडेट फीचर्स के साथ। ORVM देख सकते हैं काफ़ी गोल वाले दिए गए हैं। फ्यूल टैंक्स इसमें मिलता है आपको 15.5 लीटर का, जो काफ़ी बड़ा है। इंडिकेटर देखेंगे, 1000 लाइट भी दे रखी है, इसमें आप 2 जने कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। MID फीचर्स देख सकते हैं, मैनुअल की मिलती है, काफ़ी अच्छी स्टाइलर लुक के साथ में। रॉयल एनफील्ड ना हो, इसमें फीचर्स तो ढेर सारे पड़ रही हैं, आप देख सकते हैं 1000 लाइट के स्विच, इंडिकेटर्स, हॉर्न, और यहाँ पे i3 का ऑप्शन टाइप में ऑप्शन दिए गए हैं। फ्यूल आपको बता ही दिया है 15.5 लीटर फ्यूल पेट्रोल के साथ में। 6 गियर मिलते हैं, मतलब ये गाड़ी की स्पीड क्या होने वाली है आप चलाएंगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि आप बैक साइड का भी प्रोफाइल देख सकते हैं, जो इंडिकेटर्स काफ़ी स्टाइलर लुक के साथ में इसमें कर रहे हैं। और आपको मिलते हैं 2 ब्लैक साइलेंसर, मतलब ये राजदूत जैसी आपको फीलिंग आएगी, पर इसमें काफ़ी अपडेट किया गया है, जिससे आपका कूल वेट, मतलब ये काफ़ी भारी बाइक है, बाइक तो आपने काफ़ी देखी होगी, ये 240 kg की बाइक है। इसमें आपको माइलेज मिलेगा पर लीटर 25 का, कंपनी का वादा। हाइट मेंटेन की बात करो तो 135 mm के साथ दी गई है, 3 साल की गारंटी, 40,000 किलोमीटर का रिफाइन इंजन इनका मिलता है रॉयल एनफील्ड के द्वारा, जो इस गाड़ी की काफ़ी मजबूती और ऑफर बनाता है, मतलब अच्छी खासी एक शाइनिंग के साथ में। और जहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो प्राइस की बात करें, 4,25,000 तक जा सकती है, मतलब प्राइस एक कॉस्टली है, थोड़ी सी ऐसा लग रहा है, पर बाइक के हिसाब से आप काफ़ी तगड़ा वजनदार बाइक है आपके सामने, जो इस सुपर बनाता है 650 के साथ। माइलेज ही आप देखेंगे तो माइलेज थोड़ा सा कम रहेगा, पर आप जब इसमें बैठेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर मिलने वाला है एक कंफर्टेबल बाइक, जो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी खासी ये रॉयल एनफील्ड की सुपर बाइक देखने को मिले।